रेजोनेंस ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस से मुराद ये है कि अगर जो एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है उसका टाइम पीरियड और जो बॉडी जिसको वो ड्राइव कर रही है उसका नेचुरल टाइम पीरियड या नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों सेम हो जाएं, तो फिर जो ऑब्जेक्ट है वो कंसिडरेबली बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा, यानी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। और उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ये दोनों बराबर हैं। इस इफेक्ट को हम रेजोनेंस फिनोमेना कहते हैं, और रेजोनेंस फिनोमेना को लेबोरेटरी में हम एक ऑपरेटस की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसको हम बार्टन ऑपरेटस कहते हैं। उसकी फिगर यहाँ पे नजर आ रही है। इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे पेंडुलम्स हैं जो कि डिफरेंट लेंथ्स के हैं और वो सब एक ही स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं, और उस स्ट्रिंग के साथ एक और पेंडुलम जो थोड़ा हैवी है वो ड्राइवर के तौर पर अटैच है, और इसका काम है एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करना, या ये एक्सटर्नल फोर्स है जो इन तमाम पेंडुलम्स को ऑसिलेट कर सकता है। तो इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो इनमें से एक पेंडुलम के बराबर है। अब डेफिनेटली जब हम इस ड्राइवर को अपने हाथ से डिस्प्लेस करेंगे तो ये जो डिस्टर्बेंस है ये खुद भी ऑसिलेट करेगा और उस डिस्टर्बेंस को आगे इस स्ट्रिंग के थ्रू तमाम पेंडुलम्स में पास ऑन कर देगा, और ये तमाम पेंडुलम्स जो हैं ये अपने अपने टाइम पीरियड के मुताबिक ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। अब चूंकि आप जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो T=2πL/g के बराबर है, इट मीन्स कि ये बेसिकली पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड करता है। अब ये वो पेंडुलम जिसकी लेंथ ड्राइवर की लेंथ के बराबर है, इट मीन्स कि इनका टाइम पीरियड आपस में बराबर होगा, यानी ड्राइवर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इस पर्टिकुलर पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। सो उस सूरत में हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाला जो पेंडुलम है इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा लार्ज होगा एज कम्पेयर टू ये जो बाकी पेंडुलम्स हैं, क्योंकि इन तमाम की लेंथ डिफरेंट है, इनका टाइम पीरियड डिफरेंट है और इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करती। लेकिन सिर्फ एक ही पेंडुलम ऐसा है जिनकी लेंथ उसके इक्वल है और इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई है, इट मीन्स के इसमें हम रेजोनेंस इफेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, और ये मैकेनिकल रेजोनेंस की एक टाइप है। इसी तरह से हम स्विंग में, जो बच्चों की स्विंग होती है उसमें भी हम रेजोनेंस इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर कोई शख्स किसी स्विंग को पर बैठे हुए शख्स को हाथ से पुश कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो ड्राइविंग फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है, और वो नेचुरली ऑसिलेट करती हुई वापस आएगी और उस वक्त दोबारा उसको एक पुश मिल जाएगा। इट मीन्स के एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई हो रही है उसका पीरियड और स्विंग का जो नेचुरल पीरियड है वो दोनों इक्वल हैं। उस सूरत में हम ऑब्जर्व करते हैं कि स्विंग का जो एम्पलीट्यूड है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही चला जाता है, और इसको हम अगेन मैकेनिकल रेजोनेंस कहते हैं। इसी तरह से एक बहुत अहम एग्जांपल इसकी टकोमा नैरो ब्रिज जो कि यूएसए में वाकई था, 1940 में इसका कोलैप्स हुआ। ये एक हैंगिंग ब्रिज था और ये कहा जाता है कि इसका कोलैप्स जो था वो रेजोनेंस फिनोमेना की वजह से हुआ। इस तरह से कि जो उस वक्त जो हवा चल रही थी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी वाइब्रेटिंग उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई, दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल हो गई और उसकी वजह से ये बहुत तेजी से ऑसिलेट करने लगा, यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इतना इंक्रीज कर गया कि फाइनली ये कोलैप्स हो गया। तो रेजोनेंस की वजह से जो इस ब्रिज का जो कोलैप्स है उसको ऑब्जर्व किया गया हिस्ट्री में। इसी तरह से जब इस किस्म के ब्रिजेस पर अगर जो सोल्जर्स हैं अगर वो मार्च कर रहे हों तो चूंकि वो पीरियडिकली मार्च करते हैं तो अगर उनकी जो मार्चिंग का जो पीरियड है वो इसकी ऑसिलेशन के पीरियड के साथ मैच कर जाए तो कोलैप्स ये कर सकता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर सोल्जर्स उसके ऊपर चल रहे हैं ब्रिज पर तो वो एक रिदम के साथ ना चलें बल्कि उनकी जो स्टेप्स हैं वो इरेगुलर होनी चाहिए ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मैच ना करे और रेजोनेंस इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो। इसी तरह से हम इलेक्ट्रिकली भी रेजोनेंस इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसकी बेस्ट जो एग्जांपल है वो रेडियो है।
रेडियो में हम डिफरेंट चैनल्स जो हैं या डिफरेंट स्टेशंस जो हैं उनको ट्यून इन करते हैं। अब रेडियो जो है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर है, यानी उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी है जो है उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज के इस ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 205 किलोहर्ट्स है, जिस पर ये किसी स्टेशन को कैच कर सकता है। अब इसके एंटीना के ऊपर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रिसीव हो रही हैं। अब वो स्टेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी 205 किलोहर्ट्स होगी, वो फ्रीक्वेंसी इसमें रेजोनेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, और इस ये जो सर्किट है ये बहुत हाई एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, और वही पर्टिकुलर स्टेशन जो है वो हमें सुनाई देगा। तो ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एक और एग्जाम्पल माइक्रोवेव अवन है। माइक्रोवेव जो होती हैं वो जो फूड है उसके अंदर मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करती हैं, इस तरह से कि उनका जो पीरियड है वो आपस में मैच कर जाता है। यानी माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी और जो वाटर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल हो जो होती है, और उस सूरत में उसमें जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन का, यानी उसमें रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है, और उसकी मदद से जो फूड है वो हीट अप होती है, यानी वहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है।